हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी का पार्ट वन। मुझे पान खाने की आदत लगा दी और खुद चली गई मुझसे मुंह मोड़कर। अब कभी पान नहीं खाऊंगा। लो रखो अपना पान, हो सके तो ले जाओ अपने साथ। बाबूजी ने पान की टोकरी जोर से आंगन में फेंक दी और वहीं लड़खड़ाकर बैठ गए। आंगन में ढेर सारी चीज़ें बिखर गई। चूने का डिब्बा, कत्थे का कटोरा, कटी सुपारी, जर्दा, लौंग और पान के ढेर सारे पत्ते। बाबूजी, रोती हुई प्रिया ने उन्हें संभालना चाहा। छोड़ छोड़ मुझे, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, कहते हुए मोहनलाल आंगन से बाहर निकल गए। उनका हृदय फटा जा रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कभी मन करता जोर जोर से रोने लगे, कभी अपना सिर पीट डालने का जी करता। बेचैनी से दोनों हथेलियों को मलते हुए वो अंदर बाहर चहलकदमी कर रहे थे। आंगन में ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा थी। कल रात मोहनलाल की पत्नी सरस्वती जी का हृदय गति रुक जाने के कारण मौत हो गई थी। 55 वर्षीय सरस्वती जी एक हसमुख और स्वस्थ महिला थी। कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। शायद इसीलिए पहले ही हृदय घात में वे चल बसी। जो भी सुनता उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अरे, कल ही तो उन्हें देखा था और आज। मोहनलाल और सरस्वती के 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी प्रिया, उससे छोटा राहुल और सबसे छोटा रजत। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बहुत सुखी परिवार था उनका। आज्ञाकारी बेटे, परिवार का ख्याल रखने वाली विनम्र बहुएं, जो भी देखता उनकी किस्मत पर ईर्ष्या करता। बाबूजी, चलिए माँ के अंतिम दर्शन कर लीजिए। फिर उन्हें आगे के शब्द राहुल की आंसुओं में बह गए। उसने बैठे पिता को सहारा देकर उठाना चाहा। क्यों क्यों कर लूँ दर्शन, क्यों देखूँ उस धोखेबाज का चेहरा, बोल बीच रास्ते में छोड़ गई मुझे, मोहनलाल ने क्रोध से कहा। पर आवाज़ में कंपन स्पष्ट था, शरीर कांप रहा था। चलिए ना बाबूजी, प्रिया के सब्र का बांध टूट गया। हिचकियाँ ले लेकर, रोती प्रिया के कंधों का सहारा लेकर वो आंगन में चले गए। बीच आंगन में सरस्वती का नश्वर शरीर जमीन पर रखा हुआ था। उनके मन में विचार उठने लगे। लाल बनारसी साड़ी भर, मांग सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, पैरों में महावर, चूड़ियों से भरी कलाई, कितनी सुंदर लग रही है सरस्वती आज। ऐसा लगता है जैसे सारा सौंदर्य सिमटकर उसमें समाहित हो गया हो। मोहनलाल सरस्वती को निहारते ही रह गए। आंखें पथरा सी गई, मन अंदर ही अंदर रो उठा। क्यों छोड़ गई मुझे, किसके भरोसे, ऐसे समय में दगा दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोग तुम्हारे पांव छू रहे हैं, पतिव्रता मान रहे हैं सब तुम्हें, पर पत्थर हो तुम, मैं तुम्हें पतिव्रता नहीं मान सकता, कदापि नहीं। तुमने मुझसे धोखा किया। 7 फेरे लेते समय मेरे दुख सुख में सहभागी होने का वचन दिया था, और कहा गया तुम्हारा वो वचन, झूठी, बड़ी चालाक हो तुम, सुख के सारे दिन मेरे साथ काट लिए। अब जब बुढ़ापे का कष्ट भोगना है तो मुझे अकेला छोड़, मुझसे दामन बचाकर चली गई। किसके सहारे काटूंगा बुढ़ापे का अकेलापन। बाबूजी, राहुल ने जड़वत खड़े पिता को झकझोरा। चलिए, सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, देरी करेंगे तो लौटने में रात हो जाएगी। मोहनलाल ने कुछ नहीं कहा, कुर्सी पर रखा अपना तौलिया उठाया और ट्रक में बैठ गए। सब रिश्तेदारों का विचार था। दोस्तों, ये तो था कहानी का पार्ट वन। आप कहानी का पार्ट टू भी जल्दी आएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।